बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर गंभीर आरोप लगा दिया। श्रवण कुमार ने आज कहा कि जब से गिरिराज सिंह केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री बने हैं, बिहार में गरीबों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार कहती है कि 2024 तक हर गरीब का आवास होगा, लेकिन 2023 में अभी तक 13 लाख लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, जिसमें नालंदा, मुजफ्फरपुर और औरंगाबाद जिले शामिल हैं। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार जल्द आवास योजना के लाभुकों को योजना का लाभ पहुंचाएं। दरअसल मंत्री श्रवण कुमार नालंदा के सिलाव प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने आग से बर्बाद हुए फसल के पीड़ितों के बीच चेक वितरण किया। और 2023-24 जो अभी चल रहा है, इसमें भी आवास योजना का अभी तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ बिहार सरकार। और भारत सरकार दावा करती है कि 2024 तक हर गरीब को हम आवास की सुविधा दे देंगे, आवास का लाभ दे देंगे। बिहार में 13 लाख से ज़्यादा प्रतीक्षा सूची में लोग शामिल हैं, वो इंतज़ार में हैं कि कब हमको आवास मिलता है। तो इस प्रकार से भारत सरकार भेदभाव कर रही है गरीबों के साथ, उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। हम लोग न्याय की मांग हमेशा करते हैं। अभी भी एक देखा आपने कि यहाँ दिव्यज्ञान माहौरी पंचायत, सिलाव प्रखंड के माहौरी पंचायत का एक आया था, जिसने कहा कि हम लोगों को आवास का लाभ नहीं मिल रहा। ये बात सही है, आवास ऐप पर वो लोन किसी तकनीकी कारण से नहीं हो सका माहौरी पंचायत का, जिसके कारण वो वंचित है वो पूरा पंचायत। और नालंदा जिले के और कतरी कराय परसुराय पंचायत पर जिला प्रखंड में भी एक पंचायत वंचित है। बिंद प्रखंड में 3 पंचायत वंचित है। मुजफ्फरपुर जिला पूरा वंचित है। औरंगाबाद जिला पूरा वंचित है। इसी प्रकार से अनेक जिलों में अनेक पंचायत वंचित है। आवास ऐप पर उनका आंकड़ा डाटा लोड नहीं हो सका, जिसके कारण उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। हमने भारत सरकार से कई बार पत्र लिख करके अनुरोध किया है कि इनको डाटा अपलोड करने की स्वीकृति आप प्रदान कीजिए, लेकिन अभी तक भारत सरकार अनदेखी कर रही है, इन गरीबों के साथ इंसाफ नहीं कर रही है। तो हम मांग करते हैं भारत सरकार से कि जल्द इनके लिए आवास ऐप पर लोड करने के लिए स्वीकृति भारत सरकार दे, ताकि इन गरीबों जो छूटे हुए हैं, जो आवास से वंचित है, उनको आवास की सुविधा मिल सके। और जब से बाबू गिरिराज सिंह जी जो बिहार के हैं, बेगूसराय के सांसद हैं और भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं, जब से ये मंत्री बने हैं, उसके बाद से बिहार को एक भी लक्ष्य आवास योजना का नहीं प्राप्त हुआ है। वो कहते हैं कि हमने इतना आवास बना दिया महागठबंधन की सरकार में, एनडीए की सरकार में इतना दिया, महागठबंधन की सरकार, यूपीए की सरकार कुछ नहीं दिया। तो भाई आप गरीब की बात करते हैं कि हम सबको पक्का मकान देंगे, तो आपको तो देना चाहिए। तो ये बिहार की जनता इंतजार में है कि कब आप इनको आवास दे रहे हैं। ये सिर्फ हम लोग जानना चाहते हैं कि बिहार के जो छूटे हुए लोग हैं, जिनका नाम आवास ऐप पर नहीं गया है, उनके लिए कब आप सुविधा देना चाहते हैं, और जो 13 लाख परिवार आवास से वंचित है, प्रतीक्षा सूची में है, उनको कब आवास आप देना चाहते हैं, इसके इंतजार में बिहार। दर्श न्यूज के लिए नालंदा से राजकुमार मिश्रा की रिपोर्ट।